जानी मानी एचपी कंपनी का सिडकुल पंतनगर जिला उधम सिंह नगर स्थित प्लांट बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कंपनी ठेके पर चेन्नई में अपना काम कर रही है, जिससे सिडकुल प्लांट में काम कर रहे करीबन 550 कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने षड्यंत्र के तहत ये झटका दिया है। अब वही पीड़ित कर्मचारी कंपनी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और कंपनी प्रबंधन से वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि वो अब अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष विनीत, कपिल, पंकज शर्मा और नीरज शर्मा समेत सभी पीड़ित कर्मचारी मौजूद रहे। अब हमारे ये एचपी प्रबंधन अपने अड़ियल रूप में है, पिछले 6 या 7 मीटिंग कर चुका है, क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से अपने अड़ियल रूप में। अब हमारे आगे की कार्रवाई, हम हाईकोर्ट जाएंगे, अगर हाईकोर्ट से भी सुनवाई नहीं होगी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे सचिवालय भी घेरेंगे और सत्ता पक्ष में हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका घर का घेराव भी करेंगे और कर्मी का अनशन का भी हम करेंगे। हो सकता है आज हमने हमारी ये कंडीशन कर दी है, हम सारे लोग सड़कों पर आ गए हैं। 15 साल यहाँ बिताने के बाद इन लोगों ने हमारे साथ ये अन्याय किया, एक घोर अन्याय किया है, अपराध किया है। आज हम लोग सब भिखारी के तौर पर रोड में आ चुके हैं।